अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये भी है कि जो है ना, काफ़ी दिनों से हमारी वीडियो नहीं आई किसी भी स्कॉलरशिप पे कुछ मसरूफियात की वजह से। तो ये एक स्कॉलरशिप अभी जो है ना मेरी आंखों के सामने से गुजरा, चाइना की यूनिवर्सिटी है, गुआंगक्सी की यूनिवर्सिटी। इसका जो है स्कॉलरशिप आया हुआ है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अच्छा स्कॉलरशिप है, वैसा ही है जैसे सीएससी में आप अप्लाई करते हो। इसका फ़ायदा ये है कि आपको यहाँ पर सिर्फ सीएससी में ही अप्लाई करना है। दूसरा क्या है कि आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई नहीं करना, एक्सेप्टेंस लेटर की ज़रूरत नहीं है। अगर हो तो अच्छा है, ना हो तो इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ये उनकी मेन ऑफिशियल साइट है। मेन ऑफिशियल साइट पे आगे जब आप स्कॉलरशिप पे क्लिक करते हो तो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। यहाँ पे और भी काफ़ी स्कॉलरशिप हैं, आप वन बाय वन चेक कर सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगा। कॉन्फ्यूशियस स्कॉलरशिप है, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का अपना स्कॉलरशिप है। जब आप इस पर क्लिक करते हो तो ये जो है डिटेल आपके सामने शो होती है। अब इसमें जो है आप देख रहे होंगे सब कुछ गिवन है। जैसा कि उन्होंने बताया कि जब आप सीएससी में जाएंगे अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर उनका एजेंसी नंबर गिवन है कि आपने ये वाला पुट करना है। और ये टोटल जो है उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन जैसे होती है सब की वही गिवन है। इसकी डेडलाइन क्या है, 20 अप्रैल 2019 है। फिर बताता चलो, इसमें सिर्फ सीएससी ऑनलाइन पोर्टल अप्लाई करना है। उसका फिर क्या करना है, आपने प्रिंट लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स जो नोटराइज होते हैं, नोटराइज और बाकी अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है आपने इस यूनिवर्सिटी को बाई पोस्ट सेंड करने हैं। सिंपल ऑनलाइन है, इसका कोई और नहीं है। दूसरी एक और फ़ायदा जो इसका वो है, वो ये है कि आपकी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, फ्री है। ट्यूशन एंड जो दोबारा होंगे, बाकी जो होंगे वो भी सब होंगे। अब यहाँ पे जो आपको मंथली स्टाइपेंड दिया जाएगा मास्टर के लिए, वो 3000 युआन पर है। अगर तो हम इसको पाकिस्तान के हिसाब से अब देखें तो वो बनता है 62,373 रुपये पाकिस्तानी बनता है, जो कि मोर देन इनफ है, बाकियों से तो अच्छा ही है जो बाकी ऑफर कर रहे हैं। तो ये कुछ यहाँ पे है। इसमें अप्लाई करने का तरीका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपने सीएससी पोर्टल पे जाना है, जैसा कि यहाँ पे आपको बताएंगे। आपने सिंपल सीएससी एप्लीकेशन जो उनका पोर्टल है सीएससी का, आप इस वेबसाइट पे जाके, जैसा कि आपको पता ही है आपने पहले फिल की होंगी, फिर भी अगर किसी को इशू आता है तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैंने ऑलरेडी सीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल करके एक वीडियो बनाई हुई है, सीएससी स्कॉलरशिप डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि आपने कैसे उसको फिल आउट करना होता है। इस वजह से जो है मैं यहाँ पर फिल नहीं कर रहा। अगर इसका यूनिवर्सिटी का होता तो मैं यूनिवर्सिटी का ज़रूर फिल करता। सीएससी का तो हमने ऑलरेडी फिल किया हुआ है, आप हमारी वो देख सकते हैं। एजेंसी नंबर उन्होंने दिया, उन्होंने ये बताया कि आपने बी केयरफुल होके जो है अपने एप्लीकेशन फिल करनी है, अपने एजेंसी नंबर लिखना है, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है और अपने प्रोग्राम्स के लिए जो है अप्लाई कर देना है। और क्या करना है, प्लीज़ केयरफुली बिफोर सबमिटिंग इट प्रिंट 4 कॉपीज ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। अपने 4 लेनी है सेव एज पीडीएफ फॉर्म, पीडीएफ फॉर्म में अपने पास रखना है। अपने 4 कॉपीज़ को प्रिंट करने के बाद क्या करना है, उनको सेंड कर देना है। अब जो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे वो यहाँ पे गिवन है। एप्लीकेशन फॉर्म सीएससी का जो आप फिल करेंगे, रिकमेंडेशन लेटर है, कॉपी ऑफ ट्रांसक्रिप्ट है, सर्टिफिकेट ऑफ हाईएस्ट डिप्लोमा नोटराइज होने चाहिए, मेडिकल फॉर्म है, स्टडी प्लान है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है, पब्लिश आर्टिकल है अगर आपके पास है, वर्क ऑफ आर्ट्स है या आर्ट स्टूडेंट्स के लिए, वर्क ऑफ म्यूजिक है या म्यूजिक मेजर एप्लीकेंट्स जो होंगे उनके लिए है। कॉलेजेस एंड मेजर्स कौन कौन से, जब आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखेंगे यहाँ पे ये प्रोग्राम्स ओपन होते हैं। तकरीबन बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, हर प्रोग्राम के लिए बैचलर मास्टर पीएचडी तीनों प्रोग्राम्स के लिए यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन फिर बता दूँ, जो मंथली स्टाइफंड होगा वो सिर्फ मास्टर और पीएचडी को दिया जाएगा। स्टूडेंट्स जो बैचलर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्टाइफंड बहुत कम है, जैसा कि वहाँ पर 3000 है। तो बैचलर के लिए जो होगा मंथली स्टाइफंड वो 2000 से 2500 तक मंथली स्टाइफंड होगा। और आप जो है पार्ट टाइम वहाँ पर इंग्लिश टीचिंग भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मैं इस वीडियो के एंड पे जो है दे दूंगा। और ये एक नई बात यह कि शॉर्ट वीडियो बहुत है क्योंकि इसमें अप्लाई करने का तरीका मैं नहीं बता रहा, इसमें ऑलरेडी हम फिल कर चुके हैं जैसे मैंने बताया। मैं इसको जनरल स्ट्रक्चर आपको बताना था कि आपने क्या करना है, कन्फ्यूजन ना हो कि कैसे करना है, क्या करना होता है। इस वजह से ये वीडियो बनाई गई कि आप लोगों की आंखों के सामने से गुजर जाए और आप लोग क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर सके। तो इस वीडियो का जो है लिंक मैं आपको एंड पे दे देता हूँ, अपने डिस्क्रिप्शन पे आप लोग कॉन्टैक्ट करें, देख लें। यहाँ पे एड्रेस भी गिवन है, इसको देखने के बाद अपने प्रोग्राम्स चेक कर लें। प्रोग्राम्स चेक करने के बाद देख लें अगर आपके प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं यहाँ पे, आप कर सकते हो, देख सकते हो। जो भी आपकी फील्ड है आप इसमें अप्लाई करें, कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है, बहुत अच्छा स्कॉलरशिप है, अच्छी आप देख ही रहे होंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही बताना था कि जो है ना आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है, बैचलर मास्टर पीएचडी सबके लिए ही यहाँ पे गिवन है। तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि एप्लीकेशन आप फिल कर चुके हैं। जिसको मसला हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, सब कुछ पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़।